डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स का एक नया सेट आ चुका है। 15 चुनिंदा क्वेश्चंस का यह सेट हम लोग दरअसल करंट एक्सप्रेस के तहत करेंगे, जिसमें 10 मिनट में 15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और जिसके लिए कट ऑफ होगा 12 का। यानी अगर आप 12 क्वेश्चन सही सही करते हैं तो हम कहेंगे कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आप 10 भी करते हैं तो भी हम कहेंगे कि आपकी तैयारी बुरी नहीं है। हाँ, 10 से नीचे के स्कोर में ज़रूर सोचने वाली बात है। अभी टाइम है, इस एक महीने में हम आपके साथ रहेंगे, आप अपनी मेहनत भी करें, देखेंगे कि हम लोग इसे बचे हुए दिनों में किस तरह से इम्प्रूव करते हैं। दूसरी बात, कल के क्वेश्चन में एक रूस से लिए गए मिसाइल डिफेंस सिस्टम के क्वेश्चंस में हमने M400 कहा था आपसे, वो दरअसल S400 है, जो हम लोगों ने मिसाइल सिस्टम पर समझौते किए हैं रूस से, उसका नाम है S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस 15 क्वेश्चंस के नए सेट को। पहला क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय पेंशन अदालत कहाँ बैठी। ये बहुत पुरानी नहीं, पिछले महीने की बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नई दिल्ली। दरअसल दुनिया भारत भर के जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं और चुनौतियों से संबंधित ये बैठक 18 सितंबर मंथ में हुई थी। जितेंद्र सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने इसे एड्रेस किया था। आज का दूसरा क्वेश्चन, किस राज्य ने वन धन विकास केंद्र खोलने की घोषणा की है। वन मीन्स फॉरेस्ट, वन धन विकास केंद्र खोलने की घोषणा की है किस राज्य ने, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अभी हाल ही में पिछले महीने प्रधानमंत्री ने इस वन धन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें जो हमारा ट्राइबल स्टेट है उसमें वन उत्पादों को के मार्केटिंग और उसके विकास से संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे। तो ये छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत की है, पायलट प्रोजेक्ट इसका शुरू हुआ है। आज का तीसरा क्वेश्चन, देखिए ये एक मैचिंग है, उभरते हुए जो भारतीय खिलाड़ी हैं जो पिछले दिनों ओलंपिक्स और वर्ल्ड इवेंट में लगातार खबरों में बने हुए हैं उनसे संबंधित है, तो आपको मैच कर बताना है कि इसमें से कौन सा मैचिंग सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। चूंकि हिमा दास एथलेटिक्स में है, मनु भाकर निशानेबाजी, शिवा केशवन स्लेज जो बर्फ में जो स्लाइड करते हैं उसे स्लेज कहते हैं, शिवा केशवन विंटर ओलंपिक्स में भारत के प्रतिनिधि थे, और बजरंग पुनिया रेसलर हैं, कुश्ती के करते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन, मार्च 2018 को मनाए गए कंज्यूमर राइट्स डे, उपभोक्ता अधिकार दिवस का स्लोगन क्या था, थीम क्या था, सोच लें। इसके इंग्लिश ट्रांसलेशन कई बार संभव नहीं हो पाते, जगह की भी कमी हो जाती है और सही ट्रांसलेशन भी उपलब्ध नहीं हो पाता, इसलिए कई बार इंग्लिश ट्रांसलेशन हम नहीं दे पाते, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डिजिटल बाज़ारों को ज़्यादा पारदर्शी बनाना, यानी मेकिंग डिजिटल मार्केट मोर ट्रांसपेरेंट। आज का पांचवा क्वेश्चन, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कितने देशों की वनडे रैंकिंग जारी की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिख रहा होगा आसान, इसके पीछे कुछ छिपा हुआ है। कितने देशों की वनडे रैंकिंग ICC ने जारी की है, क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, चूंकि इस बार 4 नए देश रैंकिंग में शामिल हुए हैं जिन्हें वनडे क्रिकेट खेलने का दर्जा मिला हुआ है, स्कॉटलैंड, UAE यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट, नीदरलैंड और नेपाल, ये 4 देश हैं, क्रम से हमने दिया है इनकी रैंकिंग। ये 4 देश इस बार रैंकिंग में शामिल हुए हैं, तो देशों की संख्या 16 हो गई है। टॉप पे इंग्लैंड है वनडे रैंकिंग में, जबकि भारत दूसरे पोजीशन पे है। आज का छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने शादी विवाह में फिजूल खर्ची को रोकने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया है और इस पर बहस आयोजित किया गया। ये क्वेश्चन पुराना है, लेकिन जब भी नई विधानसभा आती है तो इस बिल पे चर्चाएं शुरू होती हैं, तब ये अखबारों का हेडलाइन बनता है। तो ये क्वेश्चन पुराना है, 2017 का है, लेकिन ये फिर से खबरों में है, तो आपको बताना है कि ये किस राज्य का मामला है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर। दरअसल केंद्र सरकार ने भी लोकसभा में इससे संबंधित एक एक्स्ट्रा वेगेंस जो शादी विवाह में है उससे बिल पेश किया, पास नहीं हुआ है,
यहाँ भी जम्मू कश्मीर में यह बिल पेश हुआ है लेकिन पास नहीं हुआ है। बार बार खबरों में रहने के कारण ये क्वेश्चन बन जाता है। आज का सातवां क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 73वें सत्र की अध्यक्षता किसने की, चेयरपर्सन इसकी कौन थी या थे? यहाँ पर देखिए काउंसिल लिखा हुआ है, जनरल काउंसिल, इसे आप जनरल असेंबली पढ़ें। यूनाइटेड नेशंस की महासभा को जनरल असेंबली कहते हैं, जो विश्व की सबसे बड़ी संस्था है। हर साल सितंबर महीने में विश्व के सारे देश यहाँ इकट्ठा होते हैं और अपनी बातों को रखते हैं न्यूयॉर्क में। यहाँ पर बताना है चेयरमैनशिप किसने की, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मारिया फर्नांडो एस्पिनोसा। दरअसल फर्नांडा है तो इन्हें अब फर्नांडो नहीं फर्नांडा पढ़ें, मारिया, जो एक विडोर की हैं। आठवां क्वेश्चन, केंद्र सरकार की निम्नलिखित योजनाओं पर ध्यान दीजिए, आपको बताना है कि इन योजना का सही क्रम क्या है, टॉप टू बॉटम, सबसे पहले कौन सी योजना आई और सबसे बाद में कौन, इसका क्रम आपको, क्रोनोलॉजी इसकी आपको देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 4-3-2-1। दरअसल सबसे पहले डीबीटी आया 1 जनवरी 1913 को, उसके बाद दूसरी योजना आ गई आपको जनधन योजना 15 अगस्त 1914, उसके बाद तीसरी योजना आ गई यह स्वच्छ भारत योजना 2 अक्टूबर 1914 और लास्ट में 11 अक्टूबर 1914 को सांसद आदर्श ग्राम योजना। आज का नवा क्वेश्चन, लंदन में खेले गए जुलाई 2018 में जो हुआ विश्व महिला हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? देखिए किसी भी वर्ल्ड इवेंट को तो हमें जानना ही चाहिए और ये जुलाई से अगस्त तक चला है 2018 में वर्ल्ड चैंपियनशिप विमेन हॉकी, तो आपको बताना है कि इसकी चैंपियनशिप किसने जीती। वर्ल्ड चैंपियनशिप है, इसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, जिसे हॉलैंड या डच भी कहते हैं। नीदरलैंड ने आयरलैंड को हराया, इंटरेस्टिंगली भारत का इसमें प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा था, तो ये आप याद रखेंगे नीदरलैंड। आज का दसवां, यह लंदन में खेला गया था। दसवां क्वेश्चन, आरबीआई ने शहरी सहकारी बैंकों यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को किस प्रकार के बैंक का दर्जा दिया है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्त। आज का 11वां क्वेश्चन, वर्ष 2018 में सबसे अधिक लाभ कमाने वाली पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी है, यानी सरकारी कंपनी। फाइनेंशियल ईयर अगर कहें तो 2017-18 में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इंडियन ऑयल। दो साल, पिछले साल भी इंडियन ऑयल टॉप पे था और इस साल भी ओएनजीसी को पीछे छोड़कर इस साल अगेन कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर इंडियन ऑयल भारत की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी। आज का 12वां क्वेश्चन, वर्तमान लोकसभा में विपक्ष के आधिकारिक नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन कौन है? सोच कर जवाब दें, ऐसे प्रश्नों में आपको हड़बड़ाना नहीं है, टाइम ले लें, पॉज कर लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, 5वां ऑप्शन, चूंकि वर्तमान लोकसभा जो 16वीं लोकसभा है इसमें कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है लोकसभा में, चूंकि किसी भी पार्टी को अपोजिशन पार्टी है और उसके लीडर को अपोजिशन लीडर का दर्जा तभी मिलता है जब टोटल सीट्स का 1/10 सीट 1/10 सीट लाना होता है, जो कांग्रेस के पास नहीं था। तो लोकसभा में नहीं है, राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद लीडर ऑफ अपोजिशन है, लोकसभा में कोई भी नहीं है। 13वां क्वेश्चन, 2022 का विंटर ओलंपिक्स कहां आयोजित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन में, चाइना में आयोजित होगा 2012 में। अभी जस्ट पिछले महीने ही विंटर ओलंपिक्स 2018 में प्योंगशेंग साउथ कोरिया में आयोजित हुआ था, जिसमें टॉप देश नॉर्वे था। आज का 14वां क्वेश्चन, केंद्र सरकार द्वारा मॉब लिंचिंग पर यानी भीड़ द्वारा हत्या किए जाने पर गठित कमेटी के हेड कौन है? मॉब लिंचिंग, लिंच का मतलब होता है टांग देना, तो मॉब लिंचिंग पर यह कमेटी, लगातार इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो सरकार ने इस पर ध्यान दिया है और एक कमेटी गठित की है, तो इसके हेड कौन है?
तो इसका आंसर हो जाएगा गृह मंत्री राजनाथ सिंह। आज का 15वां क्वेश्चन, बिहार के उद्यमान खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन ने आईपीएल 2018 में किस टीम का प्रतिनिधित्व किया था? सोच कर जवाब दें। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। आप जानते होंगे कि चेन्नई सुपर किंग्स इस बार आईपीएल का चैंपियन रहा है, जिसे धोनी ने लीड किया था। तो बस आज के इस एपिसोड को यहीं पर रोकेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगातार मिलते रहेंगे करंट अफेयर्स पर। आप जितना कर सकते हैं करें, हमसे जितना होगा हम भी ज़रूर करेंगे। टेक केयर।